फरवरी के उनके परिवार में बच्चे की शादी थी। और शादी में बारात वाले लोग कुछ जो यहाँ लोक नृत्य वगैरह होता है इस तरीके का और संगीत में कार्यक्रम खुशियाँ मनाते हैं बच्चों की बच्चियों की शादियों में, तो उसमें व्यवधान जो अपराधी तरीके से उन्होंने किया है कोई सालग्राम करके, तो उनसे वो पीड़ित रहे और बारात भी आधी लौट गई, खुशियाँ चकनाचूर हो गई। तो ऐसे तरह से दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है और उसको हम समझने के लिए क्या मांग है आपकी? हमारी मांग नहीं, उस परिवार की मांग है और हम परिवार के साथ हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो जो अपराधी उसको सबसे पहले तो गिरफ्तार करें जिससे भय का आतंक ना रहे और माहौल थोड़ा शांतिपूर्ण रहे। आप संतुष्ट हो? अभी संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि अभी 15 दिन हो चुके हैं और मामला बहुत गर्म होता जा रहा है, तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा, वो आपने वीडियो देखा होगा, जैसा मैंने वीडियो देखा है उसमें वो तमंचा लहरा रहा है, तो उस तमंचे की कुछ धाराएं होती हैं, तो वो धाराएं भी आपके उसमें FIR में नहीं है। लेकिन उनके बेटी के पिताजी ने कहा था कि वो कट्टा नहीं टॉर्च थी। बेटी के पिताजी ने कहा है कि बेटी की माताजी कह रही है, बेटी का भाई कह रहा है और नहीं, बेटी का बयान उनका आया था कि वो टॉर्च थी। हो सकता है दबाव में दिलवाया हो। किसका दबाव? किसी का भी हो सकता है, पुलिस का भी हो सकता है और वहाँ के बाबा जी का भी हो सकता है। क्या मानते हैं इस मामले में अभी तक पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? हो सकता है पुलिस भी दबाव में हो। किसके दबाव में? सरकार के भी दबाव में हो सकती है। भाई बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बाबा के धाम में जा रहे हैं और कांग्रेस के भी पूर्व मुख्यमंत्री बाबा जी के धाम में जा रहे हैं, तो कैसी उम्मीद कर सकते हैं जब पुलिस एकदम जल्दी कार्रवाई कर रही है। जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं उनसे आप संतुष्ट हो? हम संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि जो धाराएं विधिवत और बढ़ना चाहिए, जापा होना चाहिए, अब उनका जो संज्ञान है कि हम उसकी विवेचना कर रहे हैं, तो विवेचना का भी वही समय होता है। अभी SDOP महोदय से बात हुई थी तो वो कह रहे थे हम विवेचना कर रहे हैं। मैंने विवेचना की कोई डेडलाइन होती है भाई? विवेचना जो सामने बैठे हैं बयान दे रहे हैं तो कैसी विवेचना होती है? इस मामले में एक बात और आई थी कि चूंकि 11 तारीख का मामला है जी, लेकिन ये बात 8 दिन तक क्यों नहीं उन लोगों ने बताई? किसको नहीं बताई? पुलिस के पास ये आदमी जो है बाद में पहुंचा है, तुरंत बात कर रहे हैं। नहीं, 11 तारीख परिवार दबाव में है और परिवार कहीं ना कहीं जरूर दबाव में होगा जैसे हालात है। अब देखिए, अभी मैं वहाँ पर गया हूँ, परिवार से मिला हूँ, परिवार के लोग हम लोग सब निकल के आए हैं, उसके बाद भी वहाँ पर अराजकता का माहौल बनाया गया है, नारे लगाए जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं संघर्ष जैसी घटनाओं को अंजाम देने की। नहीं तो इस संघर्ष में कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो योगदान है, जैसे कल जो है भीम आर्मी के लोगों ने वहाँ अराजक नारे लगाए। नहीं देखिए, हम किसी भी असंवैधानिक बात के समर्थक नहीं है जी, हम किसी भी गैर कानूनी बात के समर्थक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा संवैधानिक रूप से काम करती है, संविधान को मानती है।